दोस्तों अगर मोस्ट हैंडसम इंडियन टीवी एक्टर्स की बात करें तो उनमें गौतम विज का नाम भी शामिल है। टीवी का ऋतिक रोशन कहे जाने वाले एक्टर गौतम विज के लोग फैन हैं और इन्होंने बहुत से पॉपुलर टीवी सीरियल्स में भी काम किया है और अभी ये फिलहाल कलर्स के टीवी शो जुनूनियत में जॉर्डन के किरदार में नजर आ रहे हैं। गौतम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे गौतम विज की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। इस वीडियो में हम उनकी लाइफ से जुड़ी सभी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो अगर आपको भी गौतम विज पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है गौतम सिंह विज और निक नेम है बिल्लू एंड मखना। प्रोफेशन की बात करें तो ये टीवी एक्टर एंड मॉडल है। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1987 और 2023 के हिसाब से अभी इनकी एज है 36 इयर्स। इनका बर्थ प्लेस एंड होम टाउन न्यू दिल्ली इंडिया है और इनका करंट एड्रेस मुंबई महाराष्ट्र है। रिलीजन की बात करें तो ये सिख धर्म से बिलोंग करते हैं और नेशनलिटी से इंडियन है। अब जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। इनके फादर का नेम है विजय विज, इनकी मदर का नेम है अंजू विज एंड इनकी सिस्टर भी है जिनका नेम है अंकिता विज। हॉबी की बात करें तो इन्हें ट्रैवलिंग एंड जिमिंग पसंद है। अगर बात करें फिजिकल अपीयरेंस की तो इनकी हाइट है अप्रोक्स 180 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 11 इंचेस एंड वेट है अप्रोक्स 75 किलोग्राम्स। तो चलिए अब बात करते हैं इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने अपनी स्कूलिंग गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली से कम्प्लीट की है एंड अपना कॉलेज इन्होंने जॉर्ज ब्राउन कॉलेज कनाडा से कम्प्लीट किया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में मास्टर्स किया है। तो अब जान लेते हैं इनके करियर और जर्नी के बारे में। स्टडी कंप्लीट करने के बाद गौतम कनाडा में एक बैंक में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने वापस आकर एक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया। 2012 में वो पहली बार मुंबई आए और फिल्म इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया और इसमें अपनी किस्मत आजमाई। जब वे कनाडा से वापस आए तो उनका वजन 120 केजी था और एक एक्टर के रूप में कोई भी उन्हें सीरियसली नहीं लेता था। हालांकि उन्होंने फिट होने के लिए अपनी फिटनेस पर काफी ज्यादा मेहनत की और मॉडलिंग से शुरुआत की और ये कई क्लोथ्सर ब्रांड्स एंड मैगजीन्स के लिए काम करते थे। गौतम विज को 2016 में एक टेलीविजन एक्टर के रूप में ब्रेक मिला जब उन्हें स्टार प्लस के शो नामकरण में अली का कैरेक्टर मिला और ये इनका टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू था। 2017 में जॉर्डन ने अपना फिल्म डेब्यू फिल्म फ्लैट 211 से किया। इसके बाद ये 2018 में नजर आए टीवी सीरियल इश्क शुभान अल्लाह में जहां पर इन्होंने मिराज अहमद का किरदार निभाया। इसके बाद 2019 में इन्होंने टीवी शो तंत्र में काम किया और अक्षत का रोल प्ले किया। फिर 2020 में इन्हें टीवी शो पिंजरा खूबसूरती का में काम करने का मौका मिला और इन्होंने पीयूष का रोल प्ले किया। 2020 में ही इन्होंने टीवी शो साथ निभाना साथिया 2 में काम किया और सूर्या सेठ का किरदार निभाया। इस रोल के बाद गौतम काफी लाइमलाइट में आ गए। 2021 में इन्होंने अग्नि वायु में काम किया और वायु का रोल प्ले किया। 2022 में इन्हें इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 में कंटेस्टेंट के तौर पर देखा गया। इसके बाद इन्हें कलर्स के टीवी शो जुनूनियत में काम करने का ऑफर मिला और इन्होंने एक से पी किया। इस शो में गौतम विज जॉर्डन का किरदार निभा रहे हैं। तो आपको जॉर्डन का किरदार कितना पसंद आया हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों आपको गौतम विज का कौन सा सीरियल सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो इन्होंने 17 अगस्त 2013 में रिचा गेरा से शादी की थी लेकिन 2020 में इनका डाइवोर्स हो गया। ये अभी अनमैरिड हैं एंड अभी किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इनके मनी फैक्टर के बारे में। सैलरी की बात करें तो ये लगभग 30 से 40 हजार रुपए पर एपिसोड चार्ज करते हैं और इनकी नेटवर्थ है अप्रोक्स 2.5 मिलियन डॉलर्स। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि नेक्स्ट लाइफस्टाइल आप किस सेलिब्रिटी की चाहते हैं। ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।